गंगा जमुना में कार्रवाई के लिए पुलिस आयुक्त द्वारा किए गए नोटिफिकेशन को चुनौती देते हुए मुकेश साहू की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। याचिका पर मंगलवार को सुनवाई के बाद न्यायाधीश सुनील शुक्रे और न्यायाधीश अनिल किल्लोर ने याचिकाकर्ता के अनुरोध को स्वीकार कर इसे जनहित याचिका के रूप में पंजीकृत करने के आदेश दिए। साथ ही अदालत ने जनहित याचिका के नियमों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई पूरी करने तथा याचिका में सुधार करने की स्वतंत्रता देते हुए 17 नवंबर को याचिका सुनवाई के लिए प्रेषित करने के भी आदेश दिए। याचिका में बताया गया कि कानून इस तरह का व्यवसाय किसी भी सार्वजनिक स्थान, स्कूल, अस्पताल, धार्मिक स्थल आदि से 200 मीटर के दायरे में स्वीकृत नहीं होने का हवाला देते हुए पुलिस आयुक्त ने 25 अगस्त 2021 को अधिसूचना जारी की, जिसके बाद लकड़गंज पुलिस के माध्यम से गंगा जमुना में रहने वाली महिलाओं को उनके घरों से बेदखल किया गया। कानून इस तरह के किसी भी व्यक्ति को उसके घर से बेदखल करने का अधिकार किसी को नहीं है, किंतु इस तरह से कार्रवाई किए जाने से जीने की मूलभूत अधिकारों का हनन हो रहा है। याचिका में बताया गया है कि गंगा जमुना में यह व्यवसाय दशकों से किया जा रहा है, जबकि स्कूल, अस्पताल, धार्मिक स्थल आदि उसके बाद में यहां स्थापित हुए हैं, जिसे पुलिस आयुक्त की ओर से नजरअंदाज कर दिया गया। याचिकाकर्ता ने याचिका में बताया कि दशकों से यहां इस तरह का व्यवसाय चल रहा है। पुलिस आयुक्त की ओर से जारी अधिसूचना में कुछ लोगों द्वारा यहां चलने वाले इस व्यवसाय पर आपत्ति जताई गई। वित्तीय गतिविधियां काफी समय से चल रही हैं। इसकी भलीभांति जानकारी होने के बावजूद कई लोगों ने परिसर में आवास खरीदा। याचिकाकर्ता ने कहा कि समाज में दो धड़े हैं, जिसमें से एक इन्हें अपनी जगहों पर व्यवसाय करने की स्वतंत्रता देने के पक्ष में है, जबकि दूसरा धड़ा समाज के लिए यह घातक करार देकर उन्हें विस्थापित करने की मांग करता है। कानून और नियमों के अनुसार यदि इन्हें विस्थापित भी करना हो तो उसके लिए सर्वप्रथम योजना घोषित करनी चाहिए, जिसके बाद यदि संबंधित व्यक्ति की सहमति हो तो उस योजना पर अमल किया जा सकता है, किंतु इस तरह की प्रक्रिया भी नहीं अपनाई गई। आदेश जारी कर जबरन लोगों को उनके कमरों से बाहर कर सील ठोक दिया गया, जिससे आयुक्त द्वारा जारी आदेश को अवैध करार देकर निरस्त करने की मांग याचिका में की गई।